हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार वो एनिमेशन देखिए। तो गाइज, ये पूरा जो ये एनिमेशन मैंने बनाया, ये मैं आपको पूरा यहाँ पे सिखाऊंगा किस तरह मैंने कंपाइल किया, किस तरह मैंने स्मार्ट तरीके से एक छोटा सा सीन बनाया। तो बने रहना वीडियो के साथ। अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपको करेक्टर एनिमेशन सीखना होता है, उसके बाद आपको कंपाइलिंग करना होता है। यहाँ पे मैं आपको कंपाइलिंग सिखाऊंगा किस तरह ये छोटा सा मैंने शॉर्ट बनाया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज, लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट है www.jivaedu.com। अगर आपको कोई भी करेक्टर या बैकग्राउंड या फिर कोई ऑनलाइन क्लास को बाय करना है, रिकॉर्डिंग क्लास होता है, वो आप इस वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे नो कॉपीराइट, जो भी बीजी मिलता है, बैकग्राउंड मिलते हैं, करेक्टर मिलते हैं, सारे यहाँ पे आपको यहाँ पे नो कॉपीराइट मिलते हैं, पर आपको यहीं पे इसी वेबसाइट से आपको बाय करना है। गाइज, आप हमारा ऑनलाइन क्लास को भी बाय कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन क्लास रहता है, लाइव क्लास रहता है, यहाँ पे देखोगे जो हमारा लाइव क्लास है 12 तारीख को स्टार्ट है, 12 फेब को, मंडे को। अब आपको लगेगा जब इतने सारे वीडियो फ्री में दिए तो ये लाइव क्लास में होता क्या है। यहाँ पे गाइज आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चलता है, पूरा लाइव चलता है। 2 महीने में 15 क्लास मिलते हैं। अब आपको लगेगा सिर्फ 15 क्लास? तो गाइज, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको 15 के बदले में आपको 1500 क्लास को फ्री में दे सकता हूँ। लेकिन क्लास लगाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है प्रैक्टिस करने से और डाउट क्लियर करने से। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, लाइफ टाइम आप अपने टीचर से डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि 2 महीने में 15 क्लास चलता है, एक के बाद एक क्लास नहीं चलता है। एक क्लास आता है, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए हम डेटा देते हैं, साथ में रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाता है बाद में, लाइव के बाद में। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो एनएडीएस में, जूम में, या फिर किसी भी जो जहाँ पे आप स्क्रीन शेयर कर सको अपने टीचर के साथ, वहां पे आप अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। करेक्टर एनिमेशन ट्रेसिंग रिगिंग कंपाइल यानी कि स्टेजिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक, फाइनल स्टोरी कैसे बनती है, कंप्लीट कार्टून स्टोरी कैसे बनती है, ये बनाना सिखाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हम आपको फ्री में देते हैं, लगभग सारी वीडियो फ्री में देते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो घंटों भर आप सोचते हो कि यार इसका जो डाउट आता है तो आप अटक जाते हो, सोचते हो कि इसको कैसे ठीक करना है। तो ये लाइव क्लास इसी के लिए जानी जाती है कि सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होते हैं। लेकिन गाइस, कॉल आपको करना होता है। जब आप एक बार लर्न एनिमेशन हिंदी के स्टूडेंट बन जाते हैं तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, दिन के 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे। तो ये 8000 की क्लास है, ये 12 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। ये बैच नंबर यहाँ पे 34 है। ये बैच नंबर अभी तक हमारे पास 600 स्टूडेंट आ चुके हैं दुनिया भर के, एशिया में तो हम नंबर 1 पे है ही है कॉन्टेंट के मामले में। तो अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी गाइस, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री में सीखो, फ्री में भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है और आने वाले टाइम पे और भी वीडियो आएगा। बस जो डाउट होता है उसको आपको मैनेज करना है, यानी कि उसके लिए आप कॉल नहीं कर सकते, कोई एनी डेस्क में आपके साथ हम नहीं आते हैं, क्योंकि एनी डेस्क में आने के लिए आपको लाइव क्लास में आना पड़ेगा। जो डाउट होगा वो आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। तो थोड़ा तो यहाँ पे आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको लाइव आके कुछ क्लास को लगाना है, लाइव आके टीचर के साथ डाउट को क्लियर करना है, तो आपको लाइव क्लास में आना पड़ेगा। लाइव क्लास में फीस को फिर आपको देना पड़ेगा। बाकी आप फ्री में सीखो अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो चलिए गाइस, चलते अपने टॉपिक की तरफ। ये यहाँ पे बीजी मेरे पास ऑलरेडी लिया हूँ मैं, तो इसी बीजी के साथ मैं काम करूंगा। आपने देखा होगा जो वीडियो में आपको दिखाया हो किस तरह यहाँ पे वीडियो में एनिमेशन हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बाद में लगाऊंगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करेक्टर को ले रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन पहले से कर रखा हूँ, इसका भी जो एनिमेशन है यहाँ पे देखोगे सबका मैं एनिमेशन पहले से कर रखा हूँ, सारा चीज़ मैं कर रखा हूँ। मुझे कंपाइलिंग करना है तो यहाँ पे मैं कंपाइलिंग करूँगा। तो ऑलरेडी गाइज यहाँ पे देखोगे मेरे पास ये बीजी है और मुझे ये वाला एक इफेक्ट यूज़ करना है बाद में लास्ट में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बीजी के साथ काम करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं, वॉइस ओवर में प्रीमियर प्रो में लगा दूंगा। तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट किया, सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया, एफेक्ट कर दिया। अगर आप बिल्कुल नए हो तो सबसे पहले आपको करेक्टर एनिमेशन की वीडियो देखना, आई ब्लिंकिंग वगैरह, रिग वगैरह, वो वाला वीडियो देखना, उसी के बाद इस वाले वीडियो पे आना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह उसको एफेक्ट कर दिया, सिंबल बना दिया, इसके अंदर चला गया और इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया अलग अलग, और आगे यहाँ पे F5 कर दिया और F5 से आगे हो जाता है। ये जो दो खंबे मैंने अलग अलग रखे हैं, इसको मुझे थोड़ा सा 3D लुक लाना है, एक एक करके थोड़ा अच्छे से दिखाना है। यहाँ पे देखोगे अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार फिर से ऑन करके, तो ये जिस तरह ये पैनिंग हो रहा है ना यहाँ पे, जो कैमरा इस तरह आगे की ओर पैनिंग हो रहा है, उसके लिए मैं ये मतलब अलग अलग लेके रखा हूँ।
तो गाइज इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करता हूँ, आपको यहीं पे प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये अलग लेयर पे ले लिया, इसको अलग लेयर पे डिवाइड कर दिया और दोनों खंभों को अलग अलग लेयर पे डिवाइड कर दिया। जब भी आपको कोई एनिमेशन करना है सबसे पहले आपको प्लानिंग करना होता है किस तरह आपको स्टोरी को क्रिएट करना है, किस तरह आपको पूरा सीन को कंपाइल करके मूव करना है, मतलब उसको कैमरा एंगल देना है, तो वो आपको पहले से डिसाइड करना होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये लेयर खाली है, इस लेयर को नीचे लाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करेक्टर लाता हूँ, करेक्टर मेरा नॉर्मल करेक्टर रहेगा, पहले नॉर्मल करेक्टर ये वाला है जो नॉर्मल एक्टिंग है, इसको कॉपी किया। मैं क्या करता हूँ स्मार्ट तरीके से काम करता हूँ, अलग अलग छोटे छोटे एक्शन वाले सीन बनाता हूँ, उसको कंपाइल करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आया आगे, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सीन के अंदर जाके मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे इसको छोटा करता हूँ। साथ में यहाँ पे आपको शेडो देना भी सिखाऊंगा किस तरह इसमें शेडो देता हूँ मैं नीचे, और यहाँ पे इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट एस से छोटा होता है, कंट्रोल ऑल्ट एस से स्केल का आता है, 100 से नीचे माइनस हो जाता है, तो मैंने माइनस कर दिया। और यहाँ से इसको बंद करते हैं, तो इस तरह मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पे आया और इसको थोड़ा और बंद कर दिया और छोटा कर दिया, तो लगभग मैंने इतना रख दिया, ये इतना रख दिया, और छोटा कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो, इतना छोटा और कर दिया, इतना ठीक है, ये मैंने इतना कर दिया, या फिर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इतना, तो इतना ठीक है। तो अपना पहला शॉट ये इतना सा है। अभी यहाँ से जब ये मेरा जो कैमरा है ना वो इस तरह मूव होके आगे जाएगा, उससे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे शेडो लगाना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले पे देख सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये जो शेडो दिया मैं यहाँ पे, ये मैं इसी करेक्टर को शेडो बनाया हूँ। वो कैसे बनाया वो आपको मैं बताता हूँ, किस तरह मैं इसको इस तरह शेडो बनाया हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है शेडो बनाने के लिए, मैंने इन सबको पहले यहाँ पे बंद कर दिया, और यहाँ पे मुझे इसी को कॉपी करना है, इसी को मैंने करेक्टर को कॉपी कर दिया। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, ऊपर मैंने एक लेयर ले लिया और यहाँ पे मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया करेक्टर को, तो यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस हो जाएगा, थोड़े टाइम लगेगा, यहाँ पे हो चुका है। और इसको मैंने यहाँ पे जाके ब्राइटनेस को बिल्कुल ही कम कर दिया इस तरह, और इसको सबसे नीचे ला दिया यहाँ पे, और नीचे लाने के बाद पॉइंट को, ये पॉइंट को नीचे लाया यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा कर दिया ऐसा, और साथ में इसको नीचे की ओर इस तरफ, और थोड़ा सा इस तरफ टेढ़ा कर दिया ऐसा, और थोड़ा सा नीचे, और इस तरफ ऐसा कर दिया थोड़ा, और इस तरह मैंने सेट कर दिया इसको यहाँ पे। और ये सेट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे इतना सेट तो कर दिया मैंने, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे जो पैर है इसको ऊपर करता हूँ इस तरफ, इतना रखता हूँ, इतना मेरा बेस्ट है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे अल्फ़ा करता, इसको एक बार एफेट करके, तो अंदर के जो पार्ट होते हैं ना वो नज़र आते हैं, तो मैं इसको अल्फ़ा नहीं करूँगा यहाँ पे, इस वाले को अल्फ़ा नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा स्मार्ट तरीके से, जो नीचे वाला अपना जो बीजी है, इस वाले बीजी को उठा के, जो ये वाला बीजी है इसको उठा के, क्योंकि शेडो तो इतनी, मतलब जो भी छाया होती है वो इतना डार्क नहीं होती है, तो मैंने क्या करना इस वाले को कॉपी किया, पूरा बीजी को कॉपी किया, और ये जो शेडो है इसके ऊपर नया ले लिया, और यहाँ पे बीजी को पेस्ट कर दिया ऊपर जाके। अभी आप देखोगे जो अपना बीजी है ना वो यहाँ पे शेप है, मतलब ये पूरा का पूरा ये इमेज है, तो ये पूरा का पूरा इमेज है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस वाले को मैंने यहाँ पे आना है, इसको अल्फ़ा कर देना, यानी कि जो अपनी शेडो है उसको अल्फ़ा नहीं किया मैंने, यहाँ पे इसको अल्फ़ा कर दिया। यहाँ पे कितना भी अल्फ़ा कर सकते हो आप, यहाँ पे ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नज़दीक करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे जितना मैं, क्योंकि मैं बीजी को बीजी को मतलब अल्फ़ा कर रहा हूँ, तो जितना मैं चाहूँ उतना कर सकता हूँ, इतना करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल में इतना रखता हूँ, इतना रख ले तो इतना ठीक है, ये इतना ठीक है। अब जब ये मूव होगा, थोड़ा सा भी मूव होगा तो ये शेडो भी मूव होगी, यहाँ पे देखोगे तो शेडो भी मूव हो रही है। इस तरह आप शेडो दे सकते हो 2D में जो एडोब एनिमेट में। तो ये मैंने कर दिया इतना। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे कैमरा एंगल सेट करना है, वॉइस ओवर में बाद में लगाऊंगा। कोई भी डाउट होता ना गाइस कमेंट कीजिए, आप पहले अपने स्टोरी पे काम कीजिए, जब गूगल मीट में आऊँगा तो गूगल मीट में मेरे साथ बात कर लेना। यूट्यूब में ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पे आपको गूगल मीट के साथ प्रॉपर तरीके से आपको सिखाते हैं एनिमेशन करना, कि किस तरह एनिमेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि किस तरह आपको काम करना है, बट प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो यहाँ पे इतना कर दिया, अब मैं लगभग इतना लंबा शॉट लेता हूँ, यहाँ तक लेता हूँ 65 तक, इतना मैंने यहाँ पे F6 कर देना, अगर कुछ भी डाउट होता है मैं बाद में भी आगे बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने क्लासिक ट्विन लगा दिया, क्लासिक ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे आया, सेम ये वाला टेक्निक मैंने फिर से यूज़ कर देना स्लो फास्ट का, और ये वाला मैंने यहाँ से ऊपर कर दिया। अगर आप नए हो ना, पुराने वीडियो ज़रूर देखना गाइस, सीधा कॉल करना चालू मत करना। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, इसके बाद थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, 115 कर देता हूँ, और इसको और 115 करता हूँ। तो अभी ये कितना जूम हुआ इस तरह, अभी नॉर्मली इसका ये नॉर्मली बड़ा हो रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, जो ये खंभे हैं इनको भी मुझे थोड़ा बड़ा करना है, जो दो अलग से, इसको 110 अलग से बड़ा कर दिया, और इन दोनों को मुझे इस तरफ निकाल देना यूँ,
इस तरफ निकाल देना यूँ, इसको ऑन जैसे इसको करोगे ना तो थोड़ा इस तरफ कर देना ऐसा। तो इससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा जब कैमरा पास जाएगा तो इस तरह 3D टाइप का फील आएगा ऐसा। तो थोड़ा और पैन करना है तो मैं क्या करूँगा, सबको और बड़ा कर देता हूँ, 105 इतना बड़ा कर, और बड़ा कर देता हूँ इतना, तो अपना इतना हो चुका है ऐसा। और यहाँ पे देखोगे इस तरह ये बड़ा होके सामने आएगा यूँ, इस तरह कैमरा पास में जा रहा है और इस तरह आ चुका है यहाँ पे ऐसा। तो अगर मुझे लगता है कि खंबे में और थोड़ा सा एनिमेशन करना है तो मैं इसको और इस तरफ करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देखो, अगर आपने पहले प्लानिंग नहीं किया होता ना तो कैसे होता, तो पहले ही प्लानिंग करना होता है बीजी के साथ किस तरह काम करना है। तो ये यहाँ पे इस तरह कर दिया है, और ये सब जो बनाया है ये सब ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाया होता है गाइज़। अगर आपको पता नहीं है कि आपके पास ग्राफिक नहीं है, फिर भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम के चैनल पे कि आपको मैं ग्राफिक दे सकूँ, बट उसको यूज़ मत करना यूट्यूब के चैनल पे, वरना कॉपीराइट आएगा। और ग्राफिक आपको ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाना है क्योंकि उनका स्केचिंग अच्छा होता है। और आने वाले 10K सब्सक्राइब के बाद मैं ग्राफिक पे वीडियो लाऊंगा, लगातार वीडियो लाऊंगा ग्राफिक पे, ठीक है। तो ये इतना कर दिया मैंने, इतना सेटिंग कर दिया। तो यहाँ से अब देखोगे आप किस तरह यहाँ पे पैनिंग होकर सामने से इस तरफ जा रहा है ऐसा, ये इस तरफ कैमरा इस तरफ जा रहा है आगे की तरफ। ये मैं जैसे एंटर मारूंगा बाद में आपको और भी अच्छा यहाँ पे दिखेगा। तो गाइज ये नॉर्मली ये कैमरा ही होता है, तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कैमरा ये वाला कैमरा होता है जो यहाँ पे शो दिया है। कैमरे बाहर से जाके आप कंट्रोल कर सकते हैं इस कैमरे के साथ, बट लेकिन ये पूरा बीजी को एक साथ को जूम करता है, पैनिंग करता है। तो मैं इस तरह इसी को कैमरा कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा मेरा कैमरा है, इस तरह मैंने इसको वो कर दिया। तो 2D में कोई ऐसा अलग से कोई कैमरा नहीं होता है, तो इस तरह रहता है। तो इतना कर दिया, इतना मैंने कर दिया। अब जो मेरे यहाँ पे देखोगे, जो मेरा शॉट है यहाँ पे, जो अगला शॉट यहाँ पे देखोगे जो आगे आने वाले पे, ये क्लोज शॉट लगा दिया मैंने। तो इस क्लोज शॉट को मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्लोज शॉट लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता मैं F6 यहाँ पे कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज शॉट देता हूँ। क्लोज शॉट यहाँ पे 150 कंट्रोल ऑल्ट एस 150 इस तरह मैंने 150 करके इतना दे दिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और छोटा करता हूँ। ये शॉट मैंने यहाँ पे दे दिया ऐसा। और इसके बाद जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा है ना, जैसे कि ये सारे एक्स्ट्रा लेयर इनको डिलीट कर सकता हूँ, जो बाहर निकल चुका, जो मेरे कैमरे के अंदर आ ही नहीं रहा है, मैं उसको क्यों दिखाऊंगा, मतलब उस लेयर को क्यों रखूं। आपकी मर्ज़ी, रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ, जैसे ये सब सारी यहाँ पे हैं तो इन सबको मैं हटा सकता हूँ, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ऊपर वाले से आराम से डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे डिलीट कर दिया और नॉर्मली इसको नीचे ला सकता हूँ। प्रॉपर तरीके से मुझे लेयर को अच्छे से रखना, तो आप ऊपर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं डिलीट करना, अपने मुताबिक आप काम कर सकते हो। तो मैंने इस तरह कर दिया यहाँ पे और इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे इतना शॉट मैंने लगा दिया और ये इतना करने के बाद ये इतना आया। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से इसको एक से कॉल करता हूँ क्योंकि जो इसके अंदर एनिमेशन हुआ ना वो खाली इतना सा हुआ है। तो मैं इसको फर्स्ट से करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे आया, मैंने इसको फर्स्ट से कॉल करवाया वापस, यहाँ पे ये फर्स्ट से स्टार्ट हो चुका है वापस। तो इतना हो चुका है। अभी मैं जो पीछे बीजी है ना इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ इतना, ताकि इतना अच्छे से ऐसा लगे। तो ये इतना हो चुका है ऐसा। तो इतना होने के बाद यहाँ पे ये इतना हो चुका है, इस तरह मैंने सेट कर दिया ये यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हुआ है, तो ये इस तरह देखोगे पीछे से जो बीजी है इस तरह थोड़ा मूव हो रहा है, तो वो कर दूंगा। और इसके बाद ये पूरा एक लॉन्ग शॉट है और ये पूरी जो शेडो है ये भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह ये शेडो यहाँ पे हुआ है। तो अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे से इतना से थोड़ा सा और आगे करके इतना लगा दूंगा, लगभग इतना। तो यहाँ पे मैंने F6 कर देना है और F6 करने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना है। क्लासिक ट्विन देने के बाद नॉर्मली रख लेता हूँ पहले ऐसा। तो इसके बाद जो ये पूरा का पूरा बीजी, इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, 105 और ऐसा बड़ा कर दिया। तो इतना हो गया, तो यहाँ से ये यूँ आ गया ऐसा। और इसके बाद थोड़ा यहाँ पे बीजी को मैंने इस तरफ को मूव कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ आ चुका है इतना ऐसा। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे इस तरफ आ गया ऐसा। तो यहाँ से जैसे आता है उसके बाद थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ, यहाँ से इस तरफ आ चुका है ऐसा। तो इतना आ रहा है ऐसा। तो बाकी जो ये पूरा है ना, ये पूरा करेक्टर एनिमेशन कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, बहुत सारे वीडियो बना चुका करेक्टर एनिमेशन। प्लेलिस्ट में जाना, करेक्टर एनिमेशन का अलग से ही प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से पता लगेगा। तो इतना मैंने कर दिया और यहाँ पे मुझे क्या करना, फिर से मैंने यहाँ पे F7 कर देना और मुझे एक लॉन्ग शॉट चाहिए यहाँ पे। तो मैंने लॉन्ग शॉट के लिए फिर से ये वाला मैंने ले लिया, यहीं से यही उठा के रख दिया यहाँ पे, यही उठा के रख दिया। पर वैसे तो मुझे लॉन्ग, प्रॉपर लॉन्ग नहीं देना, थोड़ा छोटा सा देना है। तो पीछे से मैंने ऑल्ट के साथ उठा के आगे ला दिया, प्रॉपर तरीके से आगे ला दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया सबको, और मुझे वैसे क्लोज मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले तो मैं इसी की जगह रिप्लेस करूँगा अपना,
एक्शन वाला, जहाँ से वो तलवार निकालता है, ये जो है ये पूरा यहाँ से निकालता है, इसके अंदर जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा करेक्टर एनिमेशन हो रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करेक्टर एनिमेशन हो रखा है ये। तो इस तरह मैंने करेक्टर एनिमेशन किया है। तो अब मैं इसको उठा के मैं छोटे छोटे करेक्टर एनिमेशन करता हूँ, उसके बाद कंपाइल किया। नॉर्मल है गाइज, कोई भी कर सकता है, बच्चा भी ये काम कर सकता है। तो यहाँ पर आया पर लेकिन प्रैक्टिस के बाद, ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस के, प्रैक्टिस के बाद लगातार प्रैक्टिस करते रहना। और कोई भी डाउट रहता कमेंट करना, कमेंट करना मत भूलना गाइज, क्योंकि वैसे मुझे पता नहीं लगेगा कि आप क्या सीख रहे हो। जो भी सीख रहे हैं मतलब जो टाइम पास के लिए देख रहे हैं उनको भी मतलब नॉर्मली इंजॉय कीजिए, देखिए, ताकि आपकी वजह से कोई और बंदे के लिए, मेरे को तो मोटिवेशन मिलेगा जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे। और मैं आगे आने वाले टाइम पे ग्राफिक पे वीडियो लाऊंगा, मोशन ग्राफिक पे वीडियो लाऊंगा, तो वो इसीलिए जब मेरे से जुड़ता है ना लोग तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अगला वीडियो बनाना है। तो इस तरह मैंने इसको अब छोटा कर देना, थोड़ा कंट्रोल और टेस्ट से थोड़ा और छोटा कर दिया, और यहाँ पे आया कंट्रोल और टेस्ट छोटा कर दिया, और यहाँ पे आया इतना मैंने रख दिया ऐसा, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसा, थोड़ा सा बड़ा किया मैंने इसको, और इस तरह इस पर लगा दिया। पहले ऐसा लगा देना, पहले इसको डिलीट मत करना नीचे वाले को। तो इसके बाद मैंने इसी वाले की पे क्लिक किया, और अब मैं क्या करता हूँ ऊपर वाले को अनसेलेक्ट करता हूँ, नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ। ये अपना अब एक्शन वाला होगा, यहाँ पे ये एक्शन वाला होगा पूरा, तलवार निकालने वाला प्रॉपर तरीके से जिस तरह निकाल रहा है, तो उस तरह से यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बताया वैसे। तो अभी क्या करना है मुझे, जो इसकी शेडो है वो भी दिखाना है। तो ये जो ऊपर वाला ना, ये ऊपर वाला मैंने बीजी अलग से लेके रखा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, और जो ये नीचे शेडो है ना इसको मुझे इसकी जगह लगाना है ये ऊपर वाला। तो सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ ऊपर वाला करेक्टर, और नीचे वाली जो शेडो है यहाँ पर मैं एक नया लेयर या इसी पर लगा सकते हो नॉर्मली। मैं सबको लॉक कर देता हूँ, यहाँ पर आया पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। तो इस तरह मैंने करना है, तो इस तरह मैंने कर दिया यहाँ पे, और इसको भी सेम यहाँ पे आना, क्लिक करना पहले, तब जाके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में दिखाता है। यहाँ पे आके आपको इसको ब्राइटनेस बिल्कुल ही कम कर देना है। तो यहाँ पे एक्चुअली पेस्टिंग प्लेस कर देना था आपने, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इतना हुआ। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा रखता हूँ पहले, और इसके बाद इसको थोड़ा टेढ़ा करता हूँ, ऑल्ट के साथ आप ऐसा खींच सकते हो, और इसके बाद नीचे ऑल्ट के साथ मैंने नीचे की ओर खींच दिया ऐसा, और थोड़ा और कर दिया ऑल्ट के साथ ऐसा। तो इतना हो चुका है, तो अब इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, जो मैंने अभी रखा है कंट्रोल एक्स कर दिया फिर से, और इसको मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे पूरा मैंने डिलीट कर दिया। पूरा डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, पेस्टिंग प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर देना, तो यहाँ पे आया पेस्टिंग प्लेस कर दिया ऐसा। तो ये पेस्टिंग प्लेस होने के बाद अभी देखो पूरा डार्क, यहाँ पे मैं इसको अल्फ़ा नहीं देने वाला, क्योंकि अगर मैं अल्फ़ा करूँगा ना तो अंदर का पार्ट नज़र आएगा, गोला गोला जो रिग हुआ होता है। तो इसके लिए मैंने क्या रखा है ऊपर वाला, यहाँ पे देखो कि जैसे इसको ऑन करूँगा, ये बीजी है, मैंने पहले ही बताया आपको ये पूरा का पूरा ये बीजी, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊँ आपको ताकि आपको समझ आए, ये पूरा बीजी है, और बीजी को अल्फ़ा किया है बस खाली, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या हो गया, ये पूरा यहाँ पे शेडो बन चुकी है। तो जब ये उठाएगा इस तरह, तो इस तरह दिखेगा ऐसा, तो पूरा वहाँ पे पीछे शेडो में भी नज़र आ रहा है। तो इतना हो चुका अपना, यहाँ पे पीछे छाया बन चुकी है प्रॉपर। थोड़ा सा मैं अब इसको बड़ा करता हूँ, मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ पे मैं 150 कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, इतना ठीक है, लगभग इतना ठीक है, थोड़ा इतना रख लिया मैंने ऐसा, और बड़ा कर सकता हूँ वैसे, 105 कर दिया, और इतना, ये इतना ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ से ये इस तरह दिखेगा, और इसके बाद ये यहाँ से निकालेगा यूँ तलवार, जैसे इसने यहाँ से तलवार निकाली ऐसी, तो यहाँ पे देखोगे जिस तरह इस तरह निकाल दी, और ये निकालने के बाद यहाँ पे लगभग इतने पे मैंने एफ6 कर देना, एफ6 करने के बाद यहाँ पे इतना हो चुका है, यहाँ से तलवार निकाली एफ6 कर दिया। एफ6 करने के बाद मैं यहाँ पे क्लोज शॉट लगाना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा क्लोज शॉट के लिए, नॉर्मली पहले मैं इसी को बड़ा कर देता हूँ, सबको मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे 150 इतना बड़ा कर दिया। अपने पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, मैं बिना स्टोरी बोर्ड के कर रहा हूँ, क्योंकि विजुलाइज आपको खुद करना होता है, क्योंकि छोटा सा काम है ना कि बहुत बड़ा एपिसोडिक काम है। तो इतना मैंने और इतना कर दिया, लगभग इतना रख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ना यहाँ पे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए, मुझे इसका शेडो भी नहीं चाहिए, और ना तो मुझे ये करेक्टर चाहिए। यहाँ पे मुझे गुस्से से दिखाना है, मतलब थोड़ा सा, मतलब चेहरे पे थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब नॉर्मल लेवल पे कि आप भी कर सको, क्योंकि ये पूरा ड्राइंग वाला काम नहीं, नॉर्मल सा काम है। आप मेरे पहले भी जो करेक्टर एनिमेशन का वीडियो बनाया ना वो प्रॉपर तरीके से देखो, कोई भी डाउट आता ना कमेंट जरूर करना, कमेंट में रिप्लाई जल्दी करता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे बना के रखा हूँ ये सीन। तो यहाँ पे देखोगे इस फेस के अंदर काम हुआ ऐसा। तो अभी इसके अंदर कैसे काम हुआ, अगर आप नए हो तो आपको पता भी नहीं होगा किस तरह अंदर काम हुआ है। तो यहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे डॉट डॉट करके लगाया ना, इस तरह रखा हूँ अंदर करके। तो इस तरह इससे क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा एंग्री टाइप का फेस, थोड़ा मतलब थोड़ा सा एनिमेशन दिखेगा। इस पर मैं कॉपी करता हूँ पहले, इसको दिखाता हूँ आगे कैसे कहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर मुझे इसको पेस्ट करना है इसी की जगह। तो मैंने यहाँ पर या तो इसको हटा दो, डिलीट कर दो, इस वाले को डिलीट कर दो, नीचे पेस्ट कर दो, है ना। यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता ऊपर किसी भी लेयर पे, इसलिए मैं नाम नहीं देता हूँ। तो मतलब अपना कैमरा एंगल के साथ हम कहीं पे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ पे की को। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया यहाँ पे,
थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, शिफ्ट के साथ बड़ा करो या कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ बड़ा करो, तो यहाँ पे मैंने इतना बड़ा कर दिया, थोड़ा इसको छोटा करता हूँ और इस तरह यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे और छोटा, थोड़ा और छोटा करता हूँ, इस तरह शिफ्ट के साथ छोटा कर रहा हूँ, इस तरह मैंने कर दिया ऐसा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तलवार दिख रही है यहाँ पे, मुझे ये नज़र नहीं आनी चाहिए, तो नॉर्मल में इतना रखता हूँ, ऐसा इतना रख लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, पहले मैं इसको दिखाता हूँ इस फेस में कैसे काम हो रहा है, इसके फेस में देखो किस तरह यहाँ पे काम हुआ है, छोटा सा फील आया है। तो ये सब कर दिया और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ये यहाँ पे है तो इसको मुझे थोड़ा सा नीचे कर देना है यूँ, क्योंकि ये अपना शॉट नीचे से लगा, तो मैंने नॉर्मली इतना कर दिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ से जैसे होगा इस तरह होगा और साथ में ये आगे की ओर इतना, और साथ में यहाँ पे मेरा लगभग यहाँ पे रखता हूँ मैं, इतना आ चुका है और यहाँ पे इस तरह आगे, ये आगे निकाला और इस तरह गुस्सा होके ऐसा, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एफ6 करता हूँ, इसके बाद में यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगाता हूँ, और इसको मैंने क्लासिक ट्विन से यहाँ पे जो इतना हुआ है यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ से मैं आगे की ओर बढ़ा सकता हूँ इसको प्रॉपर, ज़रूरी नहीं है इतना ही रखना, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से दिखे, इतना है और इससे ये गुस्सा कर रहा है यूँ, ये यहाँ पे इस तरह गुस्सा करेगा, तो लगभग मैंने इतना रख लिया और इसको यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, क्लासिक ट्विन से यहाँ पे इज आउट ही कर दिया, रख लो इज आउट कर लिया, यहाँ पे आराम से आ गया। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मैं सबको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे 105 इस तरह बड़ा कर दिया, तो ये इस तरह सामने की तरफ आया, और थोड़ा बड़ा करता हूँ इस तरह पे सामने की तरफ आया यूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा यहाँ पे ये यहाँ पे जो जिस तरह ये यहाँ पे आ रहा है, तो हमने जो पीछे यूज़ किया वो हमने इफ़ेक्ट यूज़ किया। तो सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पे मुझे ये नहीं लगाना, तो इसको हटा देता हूँ, जो बीजी ये वाला बीजी नहीं लगाना था, तो इस बीजी को मैंने हटा दिया, और इस बीजी को हटाने के बाद मुझे कौन सा बीजी कौन सा इफेक्ट लगाना था, ये वाला इफेक्ट जो यहाँ पे इफेक्ट है, ये सारा इफेक्ट मैं लाइब्रेरी दिया हुआ टेलीग्राम के चैनल पे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया टेलीग्राम के चैनल को तो अभी जाकर सब्सक्राइब करो, फ्यूचर में आपको ऐसे FL में दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, यूट्यूब में यूज़ मत करना, बट ये जो इफेक्ट वगैरह हैंड लाइब्रेरी वो यूज़ कर सकते हैं, लिपसिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ पीछे, पीछे आने के बाद मुझे ये यहाँ पे लगाना था मुझे एक्चुअली में, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, पेस्ट कर दिया पूरा बीजी यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, इस तरह बड़ा कर दिया, तो पूरा मैंने यहाँ पे लगा दिया और इस तरह यहाँ पे सेट कर दिया ऐसा। तो अभी देखोगे यहाँ पे किस तरह ये यहाँ पे होगा, तो इसको मैं बंद कर देना यहाँ से, तो ये अभी देखोगे किस तरह यहाँ पे होगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसा, तो यहाँ से इस तरह पूरा अपना करेक्टर ये आगे की तरफ आएगा, तो करेक्टर को मैं और बड़ा कर सकता हूँ, इसको 105 और बड़ा कर दिया, तो इसको थोड़ा सा नीचे ला देता हूँ इतना, तो यहाँ पे ये इस तरह ये होगा, और इसके बाद ये थोड़ा यहाँ पे देख रहे हो जैसे नीचे आया वैसे ही मुझे यहाँ पे सीधा आगे दिखाना है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, बैक शिफ्ट F5 के साथ बैक हो जाता है, तो अपना क्या हुआ यहाँ से इतना और सीधा ये आगे की तरफ आ चुका है ऐसा। तो यहाँ पे मैंने सीधा इज आउट दिया और ये आगे की तरफ आ चुका है यूँ, और थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ऐसा, और ऊपर टच नहीं करता, थोड़ा मामूली सा रखता हूँ ऐसा, तो अपना करेक्टर यूँ हुआ और सीधा सामने की तरफ आ चुका है ऐसा, ये इतना आ चुका है। और इसके बाद मैं पूरा का पूरा पूरा यहाँ पे आगे शिफ्ट F5 कर दिया, पीछे ला दिया सारा, तो अपना जो एनिमेशन हुआ 174 तक हुआ इतना। तो ये करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मैं ऊपर 7 कितना है 174, तो बाहर आता हूँ 174 तक, 174 F5 कर दिया और आगे आता हूँ 174 यहाँ तक है, पूरा एनिमेशन यहाँ तक है। तो अभी हमने क्या करना, इतना कर दिया, इतना करने के बाद हमें ये पूरा का पूरा प्रीमियर प्रो में ले जाना है, प्रीमियर प्रो में वहाँ पे MOV को ले जाना, वहाँ पे हमने इसके साथ BGM लगाना, पीछे से BGM लगाना, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो इस तरह देखो यहाँ पे इस तरह पैनिंग होगा, पैनिंग होने के बाद सीधा मेरा दूसरा शॉट लगाया, क्लोज शॉट लगाया, क्लोज शॉट इस तरह दिखाया हूँ, और उसके बाद क्लोज शॉट के बाद वो पूरा तलवार निकाल रहा उस तरह दिखाया हूँ, तो छोटे छोटे ऐसे सीन बनते हैं, तो पूरा इस तरह इफेक्ट के साथ इस तरह किया हूँ। तो उसके बाद जो फाइनल जो इसको हम निकालेंगे ना, यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट में जाके वीडियो निकालते हैं, और वो रहता है क्विक टाइम में, तो उसके बाद आप लोकेशन दे दो यहाँ से कहीं पे भी रखना, उसके बाद सीधा MOV निकल जाता है, MOV निकलने के बाद जो हम प्रीमियर में लगाते हैं उसके बाद फाइनल वाला जो आउटपुट है वो ये होता है, एक बार आपको दिखाता हूँ वॉइस के साथ सुनाता हूँ फाइनल कैसा है। तो
तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे देखो आप, जो भी पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा है, बैकग्राउंड जितने भी इफेक्ट वगैरह लगा है, ये सारा का सारा मैंने प्रीमियर प्रो में किया है। तो आप ये बैकग्राउंड वाला जो म्यूजिक वाला, मैं पहले भी बहुत बार बताया हूँ किस तरह हम इफेक्ट लगाते, किस तरह बीजीएम लगाते पीछे से, उससे थोड़ा जान ज़्यादा आती है। तो ये छोटे छोटे शॉट को लेकर आप पूरा स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, अच्छे से स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। बट गाइस प्रैक्टिस आपको खुद करना है, बिना प्रैक्टिस को आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो गूगल मीट पर आके बात कीजिए, अपना शेयर कीजिए स्क्रीन। यूट्यूब में ऐसा कोई चैनल नहीं है एनिमेशन सिखाने वाला जो आपको फ्री में गूगल मीट करता है और आपको अपने प्रॉब्लम शेयर कर सको और मुझसे बात कर सको कि हाँ ये मेरा ऐसा है, यहाँ पे इस तरह प्रॉब्लम हुआ, हमें बताइए, तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की।